सफेद मक्खी की टोटल छह अवस्थाएं होती है, कितनी? छह। आखिरी है उड़ती हुई मक्खी, सबसे पहली है उसका अंडा। इसके बीच की जो चार अवस्थाएं हैं, ये उसका बच्चा होता है जो हर चार दिन में अपना स्वरूप बदल के अगली अवस्था में जाता है। ये इस प्रकार से इसकी टोटल छह अवस्थाएं होती है। अगर आप लोगों को सफेद मक्खी की अवस्थाएं समझ में आ गई ना, तो आप उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ एक टेक्निकल लाके भी कर सकते हैं। समझो मेरी बात। कोई किसान भाई ये बता सकते हैं कि हमारे खेत में जो सफेद मक्खी की छह अवस्थाएं हैं, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारी फसल को कौन सी अवस्था पहुंचाती है? एडल्ट, उड़ती हुई मक्खी। सबका यही मानना है कि कोई का और भी मत है? देखो, उड़ती हुई मक्खी जो आपने एडल्ट बोला, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमको नग्न आंखों से सिर्फ उड़ती हुई मक्खी दिखती है, उसकी पीछे की अवस्थाएं हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए चाहिए हमको कुछ ना कुछ उपकरण, जिसकी सहायता से हम उसको देख सकें। तो उसमें हमारी गलती नहीं है। हमको जब उड़ती हुई मक्खी दिखेगी, तो हम बोलेंगे कि उड़ती हुई मक्खी खेत में आई गई यार, अब एक इलाज करना चाहिए हमको। हम दुकानदार को जाके बोलेंगे, भैया सफेद मक्खी खेत में आई गई, दवाई दो। उसने आपको डाइफेंथ्रोन उठा के दे दिया सिंगल, आपने स्प्रे कर दिया, अब वो उड़ती हुई मक्खी तो मर गई, लेकिन चार से पांच दिनों के बाद में जो उसकी पीछे वाली अवस्था है, फिर पंख लेके खेत में आ जाएगी और हमको वापिस से खेत में मक्खी दिखना चालू हो जाएगी। उस समय हम क्या बोलेंगे? दवाई ने साला ने बेकार दी, यही होगा। या फिर जो दवाई खरीद के लाए, वो कंपनी की दवाई को रिजल्टन न्याय साड़े, कंपनी की दवाई कभी नहीं छिटूंगा, ये होता है। उसका कारण न तो दुकानदार की गलती है, न कंपनी की गलती है, न हमारी गलती है, क्योंकि हमारे पास जानकारी का अभाव है। डाइफेंथ्रोन, जिसको हम सालों से उपयोग करते आ रहे हैं सफेद मक्खी को मारने के लिए, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब हम डाइफेंथ्रोन का उपयोग करते हैं, देखो ये आपके काम की चीजें, खर्चा बचाने वाली, जब हम डाइफेंथ्रोन का उपयोग करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी उड़ती हुई मक्खी को मारता है, और आपके खेत में उड़ती हुई मक्खी सिर्फ और सिर्फ 20% नुकसान करती है। कितना? 20%। अगर आपने डाइफेंथ्रोन का लाके स्प्रे कर दिया, तो आपने सिर्फ 20% का नुकसान रोका है, 80% का नुकसान आपके खेत में अभी भी चल रहा है। तो हमको रोकना क्या है? 80% को। 20% तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा, अगर उसके बच्चे और अंडे ही मार दिए तो अगली जनरेशन कहाँ से आएगी? दूसरा जो टेक्निकल है, जो उसके अंडे से लेके जो पंख आने से पहले की अवस्था है, पांचों अवस्थाओं को एक साथ डैमेज करता है, वहीं के वहीं सुखा देता है, और वो टेक्निकल का नाम क्या है? पाइरीप्रोक्सिफेन।